हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो ये आज की जो मेरी वीडियो है वो पहली वीडियो है ग्रेजुएशन लेवल की, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, और इट वाज इन डिमांड एंड स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस चैप्टर। सो जो चैप्टर है आपका बच्चों वो है कोलाइडल स्टेट। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट टफ एट ऑल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा चैप्टर, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक इट इजियर फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कोलाइडल स्टेट। तो बच्चों, हम सब ने अभी तक पढ़ रखा है, बेसिक चीज़ें हम जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का है, इस पर भी मेरी बहुत ही पूरी ब्रॉड वीडियो जो है 12th स्टैंडर्ड की मैंने बना के रखी हुई है इस चैप्टर पर। अभी ये चैप्टर रनिंग है, सो आप इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो बच्चे भूल गए हों, दे कैन रिपीट एंड रिवाइज ऑल्सो। तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट, मान लीजिए कि आपने शुगर ले लिया और आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, और वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। यानी कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, डिसॉल्व होती हैं, डिफ्यूजन होता है, तो क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन बनाती है। दिस इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उनमें से ही एक टाइप आपकी कोलाइडल स्टेट है सॉल्यूशन की। तो चलिए पहले हम थोड़े से छोटे से एग्जांपल्स समझते हैं कि कितने तरह की स्टेट्स होती हैं और इसको आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, मैंने 3 कंटेनर यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है, 3 कंटेनर लिए हुए हैं, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2 एंड कंटेनर नंबर 3, ओके। साइज इशू नहीं है, ठीक है, सब में हमने पानी ले लिया, ओके। सबसे पहले हमने इसमें डालना NaCl, नमक, ठीक है। तो इसको NaCl डाला, और हमने ये जो हमारा थर्ड वाला है इसके अंदर हमने डाला सैंड, ओके, पानी में सैंड डाल दिया। तो बच्चों, क्या होता है कि यहाँ पर ये जो NaCl है, जब ये पानी में डिसॉल्व होता है, तो आपने देखा होगा कि नमक जब डिसॉल्व हो गया तो वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होने के बाद जब पूरी तरह से जब आप स्टिरिंग कर दोगे अच्छे से, स्टिरिंग के बाद यू विल सी दैट देयर इज़ अ प्रॉपर सॉल्यूशन मेड, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन का मतलब आपको दिखेगा नहीं कि इसमें क्या मिला हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर यानी कि पानी के अंदर जो भी आपका सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो चुका है कम्प्लीटली। डिसॉल्व हो जाने का मतलब क्या है कि आप जब देखेंगे तो आप उसमें नमक के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं। अगर आपने बिल्कुल प्योर साल्ट लिया हुआ है NaCl, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। यू हैव सीन इन मेनी एड्स ऑल्सो कि वो एग्जांपल जो है वो देके दिखाते हैं कि इम्प्योर अनप्योर साल्ट का, तो दैट इज़ अनदर थिंग, बट मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बिल्कुल घुल जाता है अच्छी तरह से, और कैसा फेस बनाता है, होमोजीनियस फेस भी उसमें 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से। अगर जिसको याद नहीं है वो मेरी वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकता है, होमोजीनियस हेटरोजीनियस सब्सटेंसेस जो बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, होमोजीनियस, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ कि मान लीजिए थ्रू आउट द मिक्सचर इस पूरे का टेक्स्चर, इस पूरे का कलर, इस पूरे का टेस्ट सेम है, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से थोड़ा सा ले लो, यहाँ से थोड़ा सा ले लो, यहाँ से थोड़ा सा ले लो, यहाँ से थोड़ा, उसके टेक्सचर में कोई चेंज नहीं होगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट दिस फेस, दिस इज सेम, ठीक है। और इस तरह के सोल्यूशन को भी हम क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, ये ट्रू सोल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पे हमने सैंड डाला, तो जब सैंड डालेंगे तो आप क्या देखेंगे, बालू पानी में कभी डिसॉल्व होता है? नो, सैंड क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता, वो पानी में नीचे बैठ जाता है। पहले आप उसको स्टिर करोगे, स्टिरिंग के बाद क्या होगा, आफ्टर स्टिरिंग यू विल सी दैट पार्टिकल्स आर मूविंग, ठीक है,
जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेन करते हो, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। स्टीरिंग के बाद जब मोशन ख़त्म हो जाता है पानी के अंदर, जो आपने जनरेट किया हुआ है, तो पानी के नीचे जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। अब हमने अभी तक नंबर टू की बात नहीं करी, नंबर वन नंबर थ्री में हमने डाल दिया था, नंबर टू की लास्ट में बात करने का रीज़न है, वो रीज़न मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या रीज़न है। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने इसमें डाला था सैंड, इसमें डाला था NaCl, अब हम इसमें डाल देते हैं स्टार्च, ठीक है, ग्लू गम स्टार्च, जिसको आप मैदा भी कह सकते हैं, आटा भी कह सकते हैं। तो जब आप डालेंगे तो जिस तरह का सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि पानी में अगर आटा घोल, जैसे हम आटे का डो बनाते हैं, ठीक है, आटा घोलते हैं या डो बनाते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज़ द सॉल्यूशन जो कि आप देख सकते हो कि ना कि पार्टिकल नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं, ना ही पूरी तरह से डिजोल्व हुए दिख रहे हैं, वो एक बीच की स्टेज लिए हुए हैं। जैसे पानी के अंदर गम घोल दो, ठीक है, इन अ लेमन लैंग्वेज, इन द देसी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं लेई, ठीक है, अगर आप वो डाल देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो जो म्यूकस है मुझे पूरा, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। या पानी में आप मैदा डाल दो, या पानी में आप आटा डाल दो, स्टार्च डाल दो, ठीक है, स्टार्च मीन्स मैदा, कॉर्न स्टार्च डाल दो, तो वो जैसा सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं कोलाइड। क्या कहलाता है वो? कोलाइड, ठीक है। ये थर्ड वाला हमारा जो है ये कहलाता है कोलाइड। तो इस तरह से बच्चों ये तीन स्टेट है वैसे की। अब ये जो कोलाइड है, अब मैंने इसको लास्ट में क्यों बताया, ये मैंने पार्टिकल साइज, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन का, ये तीन तरह का सॉल्यूशन बन गया हमारा। अब डिसॉल्व हो जाने के बाद जो पार्टिकल्स के साइज़ है, यानी जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स दिखेंगे उसका जो साइज़ है, उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं कि इसको हम पहचानते हैं कि ये भाई कौन सा सॉल्यूशन बना है, ठीक है। तो हम पार्टिकल साइज़ की बात करेंगे अब। तो बच्चों यहाँ पे मैंने तीन कंटेनर्स बना के रखे हुए हैं, इन तीनों कंटेनर्स में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डिफ्रेंशिएट करके रखा हुआ है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स, सस्पेंशन। आप इसकी डायग्राम से ये देख सकते हैं कि पार्टिकल साइज में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब हम साइज़ की बात करते हैं, तो बच्चों जो हमने सबसे पहला ट्रू सॉल्यूशन लिया था, जो हमने NaCl में बनाया था, वो जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो लेस देन 1 नैनोमीटर का मतलब ये हो गया बच्चों कि इसको आप नेकेड आई से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप देख पाएं, और इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी सीन, ठीक है। उसके बाद आपका जो सस्पेंशन होता है ये मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, यू कैन सी इट, ठीक है, मोर देन 100 नैनोमीटर। ये जो सिस्टम हमने मैंने बताया था कि होमोजीनियस होता है, जबकि ये सिस्टम क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेगा, कहीं पर पार्टिकल ज़्यादा कहीं पर कम दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिजॉल्व होते नहीं है। अब इन दोनों के बीच का जो साइज होता है पार्टिकल का, यानी कि 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच का, वो बनाता है कोलाइडल फॉर्म, कोलाइडल स्टेट। और ये भी सिस्टम क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो मैंने एक बुक का एक चार्ट देखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब कर रहा है अलग अलग कैटेगरी में, तो उस चार्ट को आप एक बार देखेंगे, मैं उस चार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट उसमें। तो अभी अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो चार्ट, उस चार्ट में आप देखेंगे कि वो अलग अलग पॉइंट्स को लेके इसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो चलिए हम आके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये एक छोटा सा चार्ट है, इस चार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो उसको हम अभी पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से किस किस कैटेगरी में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने का मतलब इन तीनों में आपस में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है, क्या अलग, किस तरह से अलग हैं दूसरे से। तो सबसे पहले इसमें सस्पेंशन लिया हुआ है, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइड सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर देखते हैं, जो सस्पेंशन है आपका वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, और कोलाइड जो होता है वो भी हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। मैंने बताया था कि नमक को किसी भी सेक्शन से निकालोगे घोलने के बाद तो टेस्ट सेम होगा, टेक्स्चर सेम होगा, कलर सेम होगा। फिर पार्टिकल साइज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लेस देन 100 नैनोमीटर
सॉरी मोर देन 100 नैनोमीटर इन सस्पेंशन, ठीक है, मोर देन 100 नैनोमीटर। कोलाइडर सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की रेंज होती है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है साइज। अब यहाँ पे आता है सेपरेशन। सेपरेशन में हम कैसे करते हैं, भाई फिल्टर करके किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं। तो सस्पेंशन जो है, अगर मान लीजिए कि आपने सस्पेंशन जो लिया हुआ है, इसके अंदर आप सैंड को डालोगे पानी के अंदर, तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो इजीली। पानी को अलग कर सकते हो, सैंड को अलग कर सकते हो। तो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन भी पॉसिबल है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी पॉसिबल है। लेकिन जब ट्रू सॉल्यूशन में हम जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन को देखते हैं पहले, तो अगर पानी में नमक घोल दिया तो आप उसको फिल्टर करोगे तो वो अलग नहीं होता है। तो ना ही इसमें ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन पॉसिबल है और ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब आप ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन करते हो तो वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हो तो पॉसिबल हो जाता है कि वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप मान लीजिए कि गम को पानी से आप अलग करने की कोशिश करेंगे, जो स्टार्च घोला हुआ है, तो वो ऑर्डिनरी लेवल पे नहीं अलग होता है। उसके लिए हमको हायर मतलब मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और वो अल्ट्रा मेथड्स अप्लाई करने के बाद वो सेपरेट हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो हमारा पहला वाला था सस्पेंशन, वो क्या होता है, सेटल्ड अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से सस्पेंड हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। लेकिन जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के बाद ही सेटल डाउन होता है, जबकि आपका जो ट्रू सॉल्यूशन है वो सेटल डाउन नहीं होता। आप अपने माइंड में NaCl का एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अपीयरेंस, अब ये जो है, अगर मान लीजिए पहला हमारा सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन यानी कि अगर सैंड जो है डिजॉल्व कर दिया है आपने पानी के अंदर और उसको स्टिर कर दिया, स्टिर करने के बाद आप उसको आप देखोगे उस वेसल के आर पार आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वो ओपेक होगा, ठीक है। जबकि आपका ये जो कोलाइडिंग सोल्यूशन होता है वो जनरली ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, और जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है वो प्योरली ट्रांसपेरेंट होता है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है टिंडल इफेक्ट, इसके बारे में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो क्या होता है कि जो सस्पेंशन होता है वो शो करते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन भी शो करते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता। और उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, तो आपका सस्पेंशन जो है वो डिफ्यूज़ नहीं होता, और डिफ्यूजन से इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं फर्दर करूँगी। मैं यहाँ पे इस चार्ट में बस आपको ऐसे ब्रीफली समझा दे रही हूँ। डिफ्यूज़ होने का मतलब डिसॉल्व होने से ही है, ठीक है। तो इसमें डज नॉट डिफ्यूज़ सस्पेंशन, और जो आपका कोलाइड सॉल्यूशन है वो बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होता है, और जो ट्रू सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छी तरह से डिफ्यूज़ होता है, बहुत रैपिडली डिफ्यूज़ होता है। ब्राउनियन मूवमेंट भी एक तरह का मोशन और प्रॉपर्टी है। तो जो सस्पेंशन होता है वो कभी शो करता है, कभी शो नहीं करता, मैटर करता है कि किस चीज़ का सस्पेंशन बना हुआ है। और उसके बाद जो आपका कोलाइड सॉल्यूशन होता है वो बहुत अच्छे से शो करता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन बिल्कुल शो नहीं करता। चार्ट दिया हुआ है, चार्ट का डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए साइज वाइज डिफरेंशिएशन है, आप इजीली देख सकते हैं कि जो आपका सस्पेंशन है वो मोर देन 100 नैनोमीटर है पार्टिकल साइज, और ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर, और जो आपका कोलाइडर सॉल्यूशन है वो 1 to 100 नैनोमीटर है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। अब हमको इसमें पढ़ना क्या है, मेन आपका जो है इसमें जो आपको पढ़ना है वो ये है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है। ये हमने तीनों जो कैटेगरी पढ़ी है हमने समझने के लिए पढ़ी, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या बनाता है, कोलाइड बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा। अब डिटेल डिस्क्रिप्शन जो इस चैप्टर का नाम है द कोलाइडल स्टेट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अभी तक जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कोलाइडल स्टेट के बारे में, और हमने मॉलिक्यूलर साइज़ की बेसिस पे, यानी कि जो पार्टिकल साइज़ होते हैं उसके बेसिस पे हमने देखा कि कितने तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो जो पार्टिकल साइज़ है उसमें हमने कैसे करके कैटेगराइज किया। तो अब एक्चुअली हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होगा, दैट इज़ कोलाइडल स्टेट, ठीक है बच्चों। तो ये जो कोलाइडल स्टेट है इसके बारे में सबसे पहले जो है 1861 में थॉमस ग्राहम ने सबसे पहली मरतबा बताया था, ठीक है, इसके बारे में बताया था। अब इन्होंने जो बताया तो इस फील्ड में और ज़्यादा जो है मतलब कि एडवांस इंफॉर्मेशंस जो है वो टिंडल ने और SS भटनागर हैं, और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने
इस फील्ड में बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं और थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करी है। तो कोलाइड्स जो हैं आपके, अब उसको अगर आप डिफाइन करने की बात करते हैं, जो एक डिफिनेशन है, ठीक है, तो कोलाइड्स जो है बेसिकली क्या होता है, इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, और ये पर्चमेंट पेपर से डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि भाई पर्चमेंट पेपर क्या है। देखिए पर्चमेंट पेपर को मतलब एनिमल या फिर प्लांट सेल से बनी हुई, यानी कि बेसिकली ये जो है ये सेलुलोज फाइबर से बने हुए पेपर होते हैं। आप लोगों ने बेकिंग पेपर देखा होगा, जो मतलब कि ये वाटर प्रूफ होता है, ग्रीस प्रूफ होता है, और इससे जो है मतलब आप जब इसको देखेंगे तो इसमें इसका टेक्सचर जो होगा वो थोड़ा सा जैसे जो बेकिंग पेपर बेकती में बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो वो पेपर पर्चमेंट पेपर का एक एग्जांपल है। तो उससे जो है डिफ्यूज़ नहीं होते, तो उसको हम कोलाइड्स बोलते हैं। अभी हमने अलग अलग पार्टिकल साइज के बेसिस पे हमने इसको देखा, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यानी कि कोलाइड्स जो है बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेट है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की, ठीक है, और कोलाइड्स को हम डिस्पर्शन भी कह सकते हैं। अब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपके सामने एक नया टर्म आया है डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन क्या चीज़ है। डिस्पर्शन के अंदर दो टर्म, यानी कि एक कोलाइड जो है वो एक सॉल्यूशन तो नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की, जिसमें पार्टिकल साइज का मैंने आपको एक रेशियो दिया हुआ है कि इतने से इतने तक में किस रेंज में आप कैटेगराइज करेंगे ट्रू सॉल्यूशन को, किस रेंज में कैटेगराइज करेंगे आप कोलाइड्स को, किस रेंज में आप सस्पेंशन को, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी तक जो बच्चे मतलब बिल्कुल मतलब इतना याद तो होता नहीं है अगर अच्छे से नहीं पढ़ा हो, जिन्होंने सॉल्यूशन पढ़ा है या फिर जिन्होंने सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो वो मेरे चैनल पे 12th स्टैंडर्ड की वीडियोस हैं सॉल्यूशन की, वो उसको देख सकते हैं, उसमें से बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो स्टार्टिंग की कुछ क्लिप्स हैं जिसमें मैंने ये बताया कि जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। बच्चों देखिए सॉल्यूशन जो है आपका, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी, सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। उसी तरह से आपका जो ये कोलाइड है ना, ये कोलाइड भी दो फेजेस रखता है, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्शन मीडियम। हम इसके बारे में पढ़ते हैं अब कि ये क्या होता है। तो अभी तक आपने जनरल इंट्रोडक्शन, आपको ये याद होना चाहिए कि भाई इसकी ओरिजिन किसने करी है, तो आप ये नाम याद रखिएगा। इस फील्ड में डेवलपमेंट और एडवांस इन्फॉर्मेशन देने वाले साइंटिस्ट के भी नाम आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे, यू कैन फाइंड इन योर बुक, यू कैन फाइंड इन योर गूगल। मीन्स कि एग्ज़ाम में तो इस बेसिस पे नहीं पूछता, बट यू शुड नो कि किसने किस कितना ज़्यादा इफेक्टिव वर्क किया है किस फील्ड में। तो अपार्ट ऑफ ऑल दैट, हम अब प्रोसीड करते हैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ कोलाइड्स, यानी कि कोलाइड में कुल कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। फेजेस मतलब यहाँ पे आप उसको जिस तरह से सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता था, जिसको हम बोलते थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो मिलके सॉल्यूशन बनाते थे, उसी तरह से जो कोलाइड है वो दो फेजेस से मिलके बना होता है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। तो सबसे पहले हम इंटरनल फेज के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल फेज को बच्चों हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, ठीक है। अब डिस्पर्स फेज कैसे, किसको आप कहेंगे, देखिए दो कंपोनेंट है, तो इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल पोर्शन, यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, यानी दो चीज़ें मिलकर बना रही हैं एक सिस्टम को, तो जो कम क्वांटिटी में है उसको आपने इंटरनल फेज बोला या फिर डिस्पर्स फेज बोला, फेज डिस्पर्स फेज, ठीक है, डिस्पर्स फेज बोला। इट इज कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन, जैसे कि आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि जो आपका सिल्वर है, सिल्वर इन वाटर, ठीक है, तो सिल्वर इन वाटर, तो जो सिल्वर इन वाटर है उसका मतलब ये हो गया कि ये जो सिल्वर है ये आपका क्या है, डिस्पर्स फेज है, ठीक है, क्योंकि सिल्वर कम क्वांटिटी में है। एक बीकर है भाई, बीकर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, वाटर, इस वाटर में हमने थोड़ा सा सिल्वर डाल दिया है, तो ये जो सिल्वर है वो आपका क्या बता रहा है, ये इंटरनल फेज के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये आपकी इंटरनल फेज है। अब हम एक्सटर्नल फेज या फिर हम डिस्पर्शन मीडियम देखते हैं कि वो क्या होती है। तो बच्चों हमारी जो दूसरी फेज है वो है एक्सटर्नल फेज, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है।
डिस्पर्शन मीडियम। तो इसकी अगर आप डिफिनेशन लिखेंगे तो इसका इसमें ये आप लिख सकते हैं, इट इज जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है, इन एक्सेस अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था सिल्वर इन वाटर, ठीक है, तो वाटर क्या यहाँ पर है, आपकी डिस्पर्शन मीडियम है। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, बीकर में आप क्या बनाते हैं, एक कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं, और उसमें आपने वाटर लिया, उस वाटर में थोड़ा सा सिल्वर डाला, तो ये जो वाटर है ना वो क्या है आपका डिस्पर्शन मीडियम, जिसको मैंने शॉर्ट में डीएम लिख दिया है, ठीक है। और ये जो आपका सिल्वर है, ठीक है, ये आपका वाटर कर लीजिए और ये आपका सिल्वर कर लीजिए, तो ये क्या है डिस्पर्शन फेस, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्शन फेस, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो सॉल्यूट सॉल्यूशन से, तो भाई आपका ये क्या वाटर क्या है भाई, आपका बन जाएगा ये आपका है सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है, और ये जो आपका डिस्पर्शन फेज है, ठीक है, जो कि वो क्या वो हो जाएगी आपका सॉल्यूट। तो बच्चों इस तरह से हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और इसकी जो है इसके मतलब कि जो फेजेस हैं उसको हमने पढ़ा, और हमने इसका कंपैरिजन किया, और हमने ये जाना कि ये जो हमारा कोलाइडल सिस्टम होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की, यानी कि एक इंटरमीडिएट वो होती है, सिचुएशन होती है, और ना ही ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और ना ही ये सस्पेंशन की तरह से होता है प्रॉपर्टी में। तो इस तरह से हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी अभी तक। तो अब ये जो मेरा इसका फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, तो अब मेरी इसमें जो है जितनी भी सीरीज आने वाली है, तो अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो क्लासिफिकेशन पे होगा। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टे ट्यून्ड, और जो इसकी इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और आप भी अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, और आपकी जो कुछ भी जो फीडबैक है, जो भी क्वेरी है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर। एंड प्लीज़ शेयर, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।